बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वीडियो में नज़र आने वाली जगह का ताल्लुक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सफ़र हिजरत के साथ है। ये कौन सी जगह है और यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि रहती दुनिया तक इसका नाम लिया जाता रहेगा, ये जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा। हम में से बहुत से लोगों ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के बारे में खूब पढ़ा होगा, मगर शायद कम ही लोगों के इलम में हो कि इसका तारीखी पसे मंज़र क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुलिया मुबारक एक नेक खातून ने बयान किया है। वो ज़माना जाहिलियत में गुमनाम थी, मगर जब माबूद हकीकी लोगों को किसी सआदतमंद के लिए मुसख़र कर देता है तो वो लोग भी सआदतमंद बन जाते हैं। उस खातून पर उस वक्त बरकत की बारिश हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के मौका पर दौराने सफ़र उनके यहाँ बतौर मेहमान ठहरे थे। ये खातून मक्का और मदीना के दरमियान कदीद के मकाम पर अपने खावंद और चंद बकरियों के साथ अलग थलग कदरे बयाबां इलाके में एक खैमे में रहा करती थी और आने जाने वाले रास्ते के मुसाफिरों की खूब खिदमत और तवाज़ो करती थी। हिजरत के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए तैयार हुए। अब्दुल्ला बिन अरीकत लईसी की खिदमात हासिल की गईं, क्योंकि वो जंगली रास्तों के बहुत बड़े माहिर थे। वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद एक काबिल एतमाद शख्स थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सवारी के लिए दो ऊँटनियाँ तैयार कर रखी थी और आपके ग़ुलाम सैदना आमर बिन फ़हीरा खिदमत के लिए हमरा थे। मुहाजिर काफला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। सवारियां कभी तेज़ और कभी आहिस्ता चलती। इस तरह वो उजाड़ बियाबान सहरा में मुसलसल चले जा रहे थे। जब चलते चलते थक जाते तो कदरे सुस्ताने के लिए पड़ाव कर लेते। आम तौर पर पड़ाव ऐसी जगह किया जाता जहां कुर्बो जवार में अकामत गजीनों की कोई बस्ती होती और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ मुयसर होता। यहाँ तक के उस राह पर चलते चलते उस काफले का गुजर उम्म-ए-माबद खजाया रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाँ से हुआ। आपका मुख्तसर सा गरीब ख़ानदान अपनी ज़िंदगी के दिन बड़ी अजीब अंदाज में गुजार रहा था। उस घराने की सारी मता ले दे के एक खैमे, बकरियों के एक रेवड़, गिनती के चंद बर्तनों और मशकीज़ों पर मुश्तमिल थी। आपके शौहर का नाम तमीम बिन अब्दुल उज़्ज़ा खजाई था। उनका बेशतर वक़्त बकरियाँ चराने में गुजरता था। उम्मे माबद का नाम आतिका बिनते खालिद था। इन दोनों का ताल्लुक बनी खजा की शाख बनी काब से था। आतिका एक पाक दामन, बावकार और बुलंद हौसला खातून थी और अपनी कुनियत उम्मे माबद से मशहूर थी। अल्लाह ताला ने उनके दिल में एसार और खिदमत खलक का जज्बा कोट कोट कर भर दिया था। इफलास और तंगदस्ती के बावजूद वो कदीद से गुजरने वाले मुसाफिरों की नहायत खुश दिली से मेज़बानी किया करती थी और उनकी खिदमत और तवाज़ो में कोई कसर उठा न रखती थी। पानी, दूध, खजूरें, गोश्त जो कुछ मुयसर होता मेहमानों की खिदमत में पेश कर देती। जब कोई मुसाफिर उनके खैमे में सुस्ताकर आगे रवाना होता तो उसकी ज़ुबान पर उम्म-ए-माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तारीफ़ो तहसीन और दुआएँ ही होती थी। इस तरह उम्म-ए-माबद का नाम मुसाफिरों की बेलौस खबरगिरी और खिदमत तवाज़े की बदौलत दूर दूर तक मशहूर हो गया था और लोग उनकी आली मेहमान नवाजी और शराफत की तारीफें करते नहीं थकते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा यहाँ ठहरे उस वक्त ज़बरदस्त कहत फैला हुआ था। इंसान, जानवर सब ही कम खुराक की वजह से निढाल थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनसे गोश्त और खजूरों के ताल्लुक से पूछा ताकि वो खरीद लें, लेकिन उस वक़्त कहत साली की वजह से उनके पास कुछ भी ना था। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बाखुदा अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आज मेहमान नवाजी का एजाज़ हासिल करने से महरूम ना रहती, खाने पीने की चीज़ों के बारे में पूछने भी ना देती और ना ही आपको कीमत अदा करना पड़ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निगाह मुबारक खैमे के एक कोने में खड़ी बकरी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्म-ए-माबद, ये बकरी कैसी है? अर्ज़ किया, ये बहुत लागर है, जिसकी वजह से ये दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए ना जा सकी। आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये दूध देती है?
अर्ज किया, कमजोरी की वजह से ये दूध देने के काबिल नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि मैं इसका दूध धो लूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आपको इसमें दूध के आसार दिखाई देते हैं तो बड़े शौक से दूध हासिल कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थनों को हाथ लगाया, अल्लाह का नाम लिया और ये दुआ की, इलाही इस बकरी में बरकत अता कर दे। इन दुआया कलमात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से निकलना था कि बकरी के थन दूध से भर गए और उनसे दूध जारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा बर्तन मंगवाया जिससे पूरा कुंबा सैर हो सके, जिससे आपकी हिजरत करने वाली पूरी जमात सैराब हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से दूध दोहा यहाँ तक के बर्तन भर गया। आपने पहले घर की मालिका खातून को दूध पिलाया, उन्होंने खूब सैर होकर पिया, फिर आपने अपने साथियों को दूध पिलाया और आखिर में खुद दूध पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दूध दोहा यहाँ तक के बर्तन भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध उम्म-ए-माबद के पास छोड़ा और आप वहाँ से रवाना हो गए। शाम जब आपके शौहर अबू माबद कमज़ोर लागर और हड्डियों के ढांचों पर मुश्तमिल बकरियों का रेवड़ चराकर घर वापस आए, उन्होंने उम्म-ए-माबद के पास दूध देखा तो हैरान रह गए। पूछा, ये दूध कहाँ से आया? बकरियाँ तो घर से बहुत दूर थीं और यहाँ घर में कोई दूध देने वाली बकरी मौजूद न थी। उन्होंने कहा, क्या बताऊँ, हमारे तो नसीब जाग उठे, एक बरकतों वाली हस्ती ने यहाँ कदम रंजा फरमाया और हमारी काया पलट गई। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया। अबू माबद ने ये सुनकर कहा, बाखुदा मेरे ख्याल में यही तो वो हस्ती है जिसे कुरैश तलाश करते फिरते हैं। उम्म-ए-माबद, मुझे बताओ वो कैसे थे, उनका सरापा कैसा था, उनका अंदाज़े गुफ्तगू क्या था? उम्म-ए-माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ ऐसी खुश उसलूबी से बयान करने शुरू किए कि सुनने वाला दम बखुद हो जाए। उम्म-ए-माबद ने ऐसा नक्शा खींचा कि जैसे सुनने वाला रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देख रहा हो। उन्होंने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया। फरमाती हैं कि मैंने देखा पाकीज़ा सूरत, हसीनो जमील, रोशन चेहरा, बदन फरबा ना नहीफ, मुतनासिबुल आज़ा, खूबसूरत आँखें, बाल घने, सीधी गर्दन, आँख की पतलिया रोशन, सरमगी चश्म, बरीको पेवस्ता अबरू, सया गुंगरीले बाल, खामोश होते तो नहायत बावकार मालूम होते, तकल्लुम दिल नशी, दूर से देखने में नहायत सजीले और दिलरुबा, करीब से नहायत शीरियों खूबरू, शीरी कलाम, वाज़े अल्फाज, कलाम अल्फाज की कमी बेशी से पाक, तमाम गुफ्तगु जैसे मोतियों की लड़ी परोई हो, दरमियाना कद, ना इतना लंबा कि आँख को बुरा लगे और ना ही इतना पस्त कि आँख को हकीर लगे, आली कदर, रुफका ऐसे कि हर वक्त गर्दो पेश रहते हैं, जब वो कुछ कहते हैं तो बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और जब वो हुक्म देते हैं तो तामील के लिए लिपकते हैं, ना अधूरी बात करने वाले और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा इन जादू असर अल्फाज में बयान किए और यही अल्फाज आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाने के बाद अबू माबद और उम्म-ए-माबद दोनों मियाँ बीवी हिजरत करके मदीना पहुँचे और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर होकर सआदत ईमानी से बहरामंद हुए। हज़रत सैयदा उम्म-ए-माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर ने उसके बाद मदीना मुनव्वरा में सकूनत इख्तियार कर ली। हज़रत उम्म-ए-माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के आखिरी अय्याम तक जिंदा रहीं। आपकी वफात कब हुई इस बारे तारीख मुकम्मल खामोश है, लेकिन तौसीफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनका खुशबूदार कलाम हमेशा के लिए तारीख के सफहात में सब्त हो गया। जब हिजरत और औसाफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है तो सैयदा उम्म-ए-माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम ज़रूर लिया जाता है। उम्म-ए-माबद का बयान है कि जिस बकरी का दूध
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک ہمارے پاس رہی۔ ہم صبح و شام اس کا دودھ دوتے تھے اور اپنی ضروریات بخوبی پوری کرتے تھے۔ بلا شبہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار معجزہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر فرمائے اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔